Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start a new topic, that is surds, or we call it radicals. So what are surds? If x raised to power 1 by n, x raised to power 1 by n ko hum aur kaise likh sakte hain, that is x ka nth root. So agar ye pura number irrational number ho, where x aapka kya hai, ek positive rational number. रैशनल नंबर याद है ना आपको, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट एन, यहाँ पे एन क्या होगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 6 का थर्ड रूट, दैट इज 6 की पावर 1/3. तो यहाँ पे 6 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यस है. ये 3 जो है आपका, जो n है या 3 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, यस ये पॉजिटिव इंटीजर भी है. और ये जो टोटल, ये जो एंड में फाइनल रिजल्ट बना हमारा 6 raised to power 1/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है, यस इट इज अ रैशनल नंबर. सॉरी, ये क्या इरेशनल नंबर है, यस इट इज एन इरेशनल नंबर. 6 raised to power 1/3 ये टोटल क्या है, इरेशनल नंबर. सो ये जो हमारी, तो ये क्या है हमारा, एक सर्ड. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स आपकी आ सकती हैं, जैसे अंडर रूट अगर 18 की बात करें वो भी एक सर्ड है, अंडर रूट 9 की बात करो वो भी एक सर्ड है. ठीक है, तो जितनी मर्जी एग्जांपल्स आप ले सकते हो सर्ड्स की. अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक नंबर जो सर्ड नहीं होंगे, जैसे अंडर रूट 4. अगर मैं अंडर रूट 4 की वैल्यू पूछूं आपसे, वो कितनी है, 2. सो यहाँ पे ये एक इरेशनल नंबर नहीं बन रहा. ऑल दो ये जो 1/2 है, ये भी एक n पॉजिटिव इंटीजर बन रहा है. जो आपका 4 है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है, बट जब इसे सॉल्व किया वो आया 2. सो 2 क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर नहीं है. अगर ये इरेशनल नंबर नहीं है तो ये आपका सर्ड भी नहीं है. सो अंडर रूट 4 इज नॉट अ सर्ड, क्योंकि इसने ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल की थी अंडर रूट 4 ने, बट जो फाइनल रिजल्ट आया वो एक इरेशनल नंबर नहीं था. हमारे पास तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए. एक जो x है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेकंड n जो है पॉजिटिव इंटीजर, थर्ड ये जो कॉम्बिनेशन कंबाइंड नंबर बन रहा है वो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए. सो दो कंडीशन ऑल्दो फुलफिल्ड थी, बट द थर्ड कंडीशन दैट 2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, सो ये एक सर्ड भी नहीं है. सेम वे में अगर हम क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड आउट करें, वो होता है 3. अब 3 एक इरेशनल नंबर नहीं है, सो ये भी एक सर्ड नहीं है. सो जैसे अब तो ये क्या, एक सर्ड है, अंडर रूट 5 एक सर्ड है. तो अंडर रूट 5 को हम क्या ले सकते हैं, 2 raised to power 1/2. सो इसका ऑर्डर कितना है, 2. अगर इसकी पावर 1/3 होती तो ऑर्डर 3 एंड सो ऑन. सो जोन सा रूट यूज हुआ है सर्ड में वही उसका ऑर्डर है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सी एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड एंड विच आर नॉट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अंडर रूट 180. सो कुछ नहीं करना आपने, जो भी अंडर रूट के बीच में टर्म है उसके फैक्टर्स बनाने हैं. सो 180 मीन्स 36 into 5. सो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 into 6 into 5. यहाँ से एक 6 बाहर आ जाएगा, 6 under root 5. सो 6 को छोड़ दो, फाइव क्या एक रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, यस 5 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. और ये 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यस 2 इज पॉजिटिव इंटीजर. एंड ओवरऑल ये एक रैशनल नंबर है, सो इट इज अ सर्ड. सो हमने क्या देखा, ये अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, और 5 क्या था हमारा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, और ये 1/2 पावर थी इसकी, तो 2 क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर. सो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, सो इट इज अ सर्ड. सेम इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं.
अगेन इसके जो बीच में टर्म है इसके फैक्टर्स बनाओ, 4 × 4 × 4 दैट मीन्स 4³³ / 1/3, ये अंडर रूट क्यूब था, क्यूब रूट था, इसकी पावर मैंने 1/3 लिख दी, ये 3 × 4 था, दैट मीन्स 4³, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, सो यू आर लेफ्ट विद 4। अब ये 4 क्या है, इंटीजर है ये तो, सो इट इज नॉट अ सर्ट, इट इज इंटीजर। क्लियर? ओके स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसका फिफ्थ पार्ट। सो 25 का क्यूब रूट है डॉट 40 का क्यूब रूट है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। सो एक कंबाइन क्यूब रूट बना लेंगे, ये आ जाएगा 25 × 40। अगेन फैक्टर्स बनाओ, 40 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 8, 5 × 4 = 40, 5 × 5 = 25। तो क्यूब रूट है ऑब्वियसली, ये 3 का एक पेयर बनेगा, ये 2 का भी एक पेयर बनेगा, सो एक 2 बाहर एक 3 बाहर, सो यू आर लेफ्ट विथ 10। नाउ इट इज वेरी क्लियर, 10 क्या है, एक इंटीजर, सो नॉट सर्ड। आई गेस काफी इजी है ये सारा। ओके नेक्स्ट थ्री पार्ट। सो ये फर्स्ट पार्ट देखो, क्यूब रूट ऑफ -125। सो बताइए ये सर्ड है या नहीं। सर्ड वाले रूल में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, ये जो टर्म होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब ये तो एक नेगेटिव है, तो वैसे भी अगर इसे आप इसके आप फैक्टराइज भी करोगे तो क्या बनेगा, -5 × -5 × -5। क्यूब रूट है, एक माइनस फाइव बाहर आ जाएगा, सो माइनस फाइव क्या होता है आपका, इंटीजर, सो दिस इज आल्सो नॉट सर्ड। अंडर रूट पाई, अब पाई सभी को पता है क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर। सो ये बीच वाला नंबर तो हमारा रैशनल होना चाहिए था ना, बट पाई तो हमारा इरेशनल नंबर है, सो इरेशनल नंबर का अंडर रूट, सो दिस इज आल्सो नॉट सर्ड बिकॉज पाई इज इरेशनल नंबर। सो बट हमारी कंडीशन क्या कह रही थी, पाई क्या होना चाहिए था, जो अंडर रूट के बीच में टर्म होती है वो होनी चाहिए थी रैशनल, सो दिस इज आल्सो नॉट सर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सभी को पता है कि हम पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7। हम जब भी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, बट हमें पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, बट 22/7 तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। सो इसका रीजन ये है कि ये जो है वैल्यू ये इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई की अप्रोक्स वैल्यू है 22/7। सो पाई क्या एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। सो हम क्योंकि इनकी वैल्यू का पॉइंट्स में काफी पास में है तो हम इक्वल ले लेते हैं ऑलमोस्ट, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, √3 + √2, तो क्या ये सर्ड है या नहीं। अगेन इस वाले पार्ट को देखो जो अंडर रूट के बीच में है, क्या ये रैशनल है, नो ये रैशनल नहीं है। अगर यही रैशनल नहीं है तो ये हमारी पूरी टर्म सर्ड नहीं होगी, सो आंसर इज नॉट सर्ड। रीजन, 3 + √2 इज नॉट रैशनल नंबर। सो फर्स्ट टॉपिक इसके बाकी क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज योर रैशनलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रैशनलाइजेशन। हम रैशनलाइजेशन का मतलब है कि किसी दो सर्ड्स को या इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जो आपका रिजल्टेंट हो वो एक रैशनल नंबर हो। फॉर एग्जांपल, √27।
सो अंडर रूट 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आ जाएगा, सो ये बचा आपका 3 अंडर रूट 3। अगर इस पर्टिकुलर नंबर को 3 अंडर रूट 3 को मैं अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो आई एम लेफ्ट विद 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, सो 9। सो मतलब मीन्स अगर मैंने इस नंबर को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक रैशनल नंबर मिल गया 9। सो ये अंडर रूट 3 क्या है, इसका रैशनलाइजेशन रेशन फैक्टर। बेसिकली ये दोनों ही एक दूसरे के रैशनलाइजेशन फैक्टर्स हैं। इसके और भी बहुत सारे रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होंगे, बट ये जो अंडर रूट 3 है ये इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अंडर रूट 3 को 7 अंडर रूट 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, अगेन 7 3 इज 21, 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 3, सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 63। सो ये भी एक रैशनल नंबर है। सो आप देख सकते हो किसी भी अंडर रूट 3 वाले नंबर के साथ ये मुझे मल्टीप्लाई होने के बाद रैशनल नंबर ही दे रहा है, बट जो हमारा लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो सिंगल अंडर रूट 3 है। अगर आप कोई और नंबर इसके साथ है तो वो आपका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं है। स्टूडेंट रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट बेसिकली हम चलो ये लीस्ट वगैरह हम फाइंड आउट तो करते हैं, बट बेसिकली हमें कहीं पे भी पूरे मैथ्स में अगर आपका डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो आपको वो अंडर रूट हमेशा रिमूव करना होता है। उसे रिमूव करने के लिए जो भी टर्म डिनोमिनेटर में, जैसे सिंगल दिया हुआ अंडर रूट 7, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। आपको पता है अगर इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो बेसिकली कोई भी चेंज नहीं आ रहा। सो 3 अपॉन अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, सो क्या होगा बेसिकली ये बन जाएगा आपका 3 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 7। सो ये सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। हमें कभी भी डिनोमिनेटर में ये जो आपका अंडर रूट है वो नहीं रखना, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया आपको रैशनलाइजेशन करना ही है। एक तो ये रैशनलाइजिंग होती है, दूसरी रैशनलाइजिंग क्या होगी आपकी बहुत बार काम आएगी, जैसे 3 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, सपोज कुछ इस तरह का नंबर है, जब ऊपर अंडर रूट 7 था तो आपने दो बार अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था। अब आपने क्या करना है, अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 6 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, बट साइन चेंज कर देना है, ये पॉजिटिव था ये हो जाएगा नेगेटिव। सो ये था अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, आपका बन जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। आपको याद है ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, 7 माइनस 6, सो आपके पास यू आर लेफ्ट विद अंडर रूट 7 माइनस 3 अंडर रूट 6। सो इस तरह से आपने अंडर रूट डिनोमिनेटर में रिमूव करना। कोई नहीं, अभी बहुत सारी एग्जांपल्स और आएंगी रैशनलाइजेशन की, तो क्वेश्चंस में हम दोबारा से फिर डिस्कस हो जाएगा ये सारा। ओके स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन, राइट द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5 अंडर रूट 2। सो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक रैशनल नंबर बन जाएगा 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 10, सो विच इज अ रैशनल नंबर। देयरफॉर लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया इसका, अंडर रूट 2। सो आपका आंसर क्या है, अंडर रूट 2। अब ये सेकंड पार्ट इज अंडर रूट 24। अब स्टूडेंट्स अंडर रूट 24 क्या है आपका, इसका लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना है ना। अगर मैं इसे अंडर रूट 24 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 24, तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है, बट ये जो फैक्टर है ये लोएस्ट नहीं है।
सो लोवेस्ट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 24 के फैक्टर्स बनाएंगे. सो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3. सो 8 × 6 = 24. ओके, ये फैक्टर्स बन गए. इसमें से पेयरिंग करते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा. सो इनसाइड इट इज लेफ्ट 6. सो वेरी क्लियर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमें जब इसे अंडर रूट 2, इसे अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी आर लेफ्ट विद 2 × 6, दैट इज 12. सो इसका जो लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6. सो आपका आंसर क्या होगा, अंडर रूट 6. जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा आपने वैसे लिखना, विच इज अ रैशनल नंबर, 12 इज अ रैशनल नंबर, लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज अंडर रूट 6. सो डायरेक्टली नहीं करना आपने, जैसे भी आपको कोई भी टर्म दी हुई है उसके फैक्टर्स बनाने हैं, उसके बाद जो भी स्क्वायर रूट के इनसाइड बचा उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. फिर नेक्स्ट पार्ट देखो, अंडर रूट 5 − 3. सो जब इसका हमने लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना है, तो जब भी 2 टर्म्स नेगेटिव या पॉजिटिव एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होंगी तो उनका कॉन्जुगेट ढूंढना है आपने. सो इसका कॉन्जुगेट क्या है, अंडर रूट 5 + 3. दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, सो अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी. सो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 5, दैट इज 5. 3 square 9. सो यू आर लेफ्ट विद −4, विच इज अ रैशनल नंबर. अगर ये −4 एक रैशनल नंबर है, सो अंडर रूट 3 + 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 + 4 इज लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है, सेम ऐसे ही करना जैसे थर्ड पार्ट किया है. फिफ्थ पार्ट देखो, अब ये दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं, नेगेटिव में है. ऐसा नहीं कि इनका कंजुगेट ढूंढ के आपने मल्टीप्लाई कर देना है, पहले हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं. सो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2. 50 को 5 × 5 × 2. ठीक है, तो इसमें से 3 बाहर आ गया, क्या बचा, अंडर रूट 2. इसमें से 5 बाहर आ गया, क्या बचा, अंडर रूट 2. ओके क्लास, जब भी कभी ऐसी सब्सट्रैक्शन आ जाए तो आपने मैंने पहले भी शायद बताया था, अंडर रूट 2 को क्या मान लेना है, x. तो अगर आप रफ में करोगे, ये बन गया 3x − 5x, तो वो क्या होता है, −2x. सो 3 √2 − 5 √2 क्या हो जाएगा आपका, −2 √2. नाउ देखो ये क्या था, 18 √50 − 18 √−50 √2. और ये क्या बन गया, −2 √2. सो बेसिकली अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रैशनल नंबर बन जाए, सिर्फ अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो. तो ये क्या बन जाएगा, −2 × 2, दैट इज −4, विच इज अ रैशनल नंबर. सो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, अंडर रूट 2, लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. आपने फुल फॉर्म लिखनी है. अब एक बात आपकी समझने वाली है कि अगर आप सिंपल कर देते, ऑल्दो अगर आप इसे अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका रैशनल नंबर आ जाएगा, बट वो लीस्ट, आपका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं होगा. लीस्ट के लिए आपको पहले इसके फैक्टर्स बनाने होंगे, फिर आपका आंसर आएगा. नेक्स्ट क्या है आपका, अंडर रूट 5 − √2. इस पार्ट में सिंपल इसका कॉन्जुगेट ढूंढना आपने. इसका कॉन्जुगेट क्या है, अंडर रूट 5 + √2. सो इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका 5 − 2, विच इज 3. सो यस, दिस इज योर लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, अंडर रूट 5 + √2. हमने इतनी आसानी से इसलिए कर लिया क्योंकि ये दोनों क्या थे, प्राइम नंबर थे. 5 और 2 क्या थे, प्राइम नंबर. तो इनके आगे फर्दर फैक्टर्स तो बनने ही नहीं थे, तो हमने डायरेक्टली इसका कॉन्जुगेट ढूंढ लिया. नेक्स्ट पार्ट देखो, अंडर रूट 13 + 3. ये दोनों भी प्राइम नंबर है, सेम इसका कॉन्जुगेट ढूंढो, अंडर रूट 13 − 3.
सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4. सो इसका ये आंसर हो जाएगा लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. ओके स्टूडेंट्स, एट्थ पार्ट देखो इसका, 15 माइनस 3√2. सिंपल, अगर इसका कंजुगेट ढूंढ के आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा. सो आपको फर्स्ट क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है. 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, यू आर लेफ्ट विथ 5 माइनस √2. क्लियर. अब इसका कॉन्जुगेट आपने ढूंढना है. इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 5 प्लस √2. सो आपने क्या करना है, 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर. 5 स्क्वायर 25, √2 स्क्वायर 2. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 23, दैट इज 96. 96 इज अ रैशनल नंबर. सो इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, 5 प्लस √2. अगर स्टूडेंट आप डायरेक्टली 15 प्लस √3 √2 से मल्टीप्लाई कर देते सिंपल साइन चेंज करके, तो आपका गलत हो जाना है. सो आपको पहले इससे कॉमन निकाला 3, फिर इसका कॉन्जुगेट ढूंढा. सो इसका आपको लिखना है प्रॉपर, कॉन्जुगेट ऑफ 5 माइनस √2 इज 5 प्लस √2. देन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने शो करना है 69 इज अ रैशनल नंबर. सो ये रैशनल नंबर आ गया एंड में, सो ये आपका आंसर. ओके स्टूडेंट, लास्ट पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, 3√2 प्लस 2√3, इसका आपने क्या निकालना है, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. तो यहाँ पे 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, अगेन 2 एंड 3 है. सो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. सिंपली इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो. कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस कर देना है. दोनों को मल्टीप्लाई करो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 इंटू 2, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3, 18 माइनस 12 विच इज 6. यस, दिस इज अ रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है सो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, दिस विल बी योर आंसर. ओके स्टूडेंट, बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में. आपने यहाँ तक अच्छे से क्वेश्चंस कर लेने सारे ट्राई, एग्जांपल्स भी. एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो.